हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए है 1.1, बी है -2.7 एंड सी है 3.-3 आर कोलिनियर। तो देखिए क्वेश्चन में तीन पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी और बोला गया है कि प्रूव करिए कि ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोलिनियर का क्या मतलब होता है। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए तीन पॉइंट है, क्या है, तीन पॉइंट है, एक पॉइंट बी है और दूसरा मान लीजिए एक ए है और तीसरा क्या है सी है। तो हम कब कहेंगे कि ये कोलिनियर है, जब ये तीनों पॉइंट क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो। देखिए तीनों पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। किसमें है, एक स्ट्रेट लाइन में। जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो कोलिनियर है। और इसे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या ध्यान रखना है, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू ये पूरा टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी ध्यान से समझिए, बी ए की लेंथ प्लस ए सी की लेंथ इक्वल टू क्या होनी चाहिए, बी सी की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, यही प्रूफ करना है। मतलब बी ए प्लस ए सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि क्या है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ये चीज आ रही है समझ में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, -2.7। तो हम लिख देंगे यहाँ -2.7 बी का कोऑर्डिनेट हो गया। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, 1.1 और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, 3.-3। तो एक बात बताइए, बी का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इसे क्या मान लेंगे, मान लीजिए इसे x1 मान लिया, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। और मैं लिख दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ किसके लिए लगा रहे हैं, ए बी के लिए लगा रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कहो या बी ए कहो, आप बात एक ही है, क्या होगा, एन रूट x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए फॉर्मूला हमने लिख दिया, अब जो डाटा है वो रख देंगे, क्या करेंगे, डाटा जो गिवन है उसे रख देंगे। तो ध्यान से देखिए x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू दी गई है 1, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू दी गई है -2। एक बार बताओ, फॉर्मूले में माइनस है और ये माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर। प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी गई है, y2 की वैल्यू है 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ आ रही है, मैं इसके आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यही सामने देखो ये क्या हो जाएगा, 1+2 क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और प्लस ये क्या हो जाएगा, -6, क्या हो जाएगा, -6, यानी -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 36, यानी कितना आ गया, ये आ गया 45, इन रूट में कितना आ गया 45, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 है, यानी 9 5 45 होगा, यानी 3√5 लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ रही होगी। हमने क्या करा, ए बी की लेंथ निकाली, ए बी कहो या बी ए कहो बात एक ही है। अब क्या करें, हम ए सी की लेंथ निकाल ले, तो ए सी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक चीज मान लीजिए कि जैसे कि मैं इसे x1 मान लिया और इसे क्या मान लिया, y1 मान लिया, क्या मान लिया, इसे y1 मान लिया, और ये x2 है y2 है। अब इन दोनों के बीच मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, क्या करूं, ए सी के लिए निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहां मैं लिखूं ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इक्वल टू, मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो क्या होता है, x2-x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है, 1 है, 1-x1 क्या है, 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 क्या है, 1, माइनस y1 क्या है, -3, यानी ये क्या हो जाएगा, -, प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब कर लेते हैं हम लोग ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 1 में से -3 करेंगे तो ये क्या होगा, -2, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है, और प्लस 1 प्लस ये क्या है, 3, यानी 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी ये कितना आ गया, √20, और इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2√5, क्या लिख सकते हैं, 2√5, जैसे इसे रूट से निकालेंगे तो 4×5 होगा ये, तो 4 का पेयर, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2×2, तो 2 बाहर आ गया, 5, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2√5, यानी AC की लेंथ भी हमने क्या करा, निकाल लिया।
अब एक चीज ये ध्यान रखिए, हमने एसी का निकाल लिया, एसी की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए 2√5। आप यूनिट लिख सकते हैं इसके वैल्यू, ठीक है। अब क्या निकाल रहे हम लोग, बीसी निकाल ले, क्या निकाल लें, बीसी निकाल ले, बीसी। तो ध्यान से देखिए बीसी के लिए क्या होगा फॉर्मूला, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आप मान लीजिए कि जैसे ये x1 x2 किसी को भी हम मान सकते हैं, मैंने क्या कर दिया, ये x1 ये y1 है, तो हमने क्या मान लिया इसको x2 और इसे क्या मान दिया y2 मान लिया। आप इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, इसको x1 x2 मान, y1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 क्या है माइनस टू, माइनस एक्स वन क्या है थ्री का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू क्या है सेवन, माइनस वाई वन क्या है, तो इसको क्या कर देंगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस टू और माइनस थ्री क्या होगा माइनस फाइव, यानी फाइव का स्क्वायर कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव, माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो गया, और प्लस ये कितना आ जाएगा सेवन का स्क्वायर, सेवन प्लस थ्री यानी टेन होगा, टेन का स्क्वायर कितना हो गया हंड्रेड हो गया, यानी इसको रूट में क्या लिख सकते हैं वन ट्वेंटी फाइव। अब एक बार बताइए वन ट्वेंटी फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए हम लिख सकते हैं फाइव रूट फाइव, क्या लिख सकते हैं फाइव रूट फाइव, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, बीसी की वैल्यू आ गई फाइव रूट फाइव, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, तो देखिए बी हमने क्या निकाल रखा है, यहाँ देखिए बी ए की वैल्यू क्या निकाला है हमने, बी ए की वैल्यू या ए बी कह लो आप, क्या थ्री रूट फाइव, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। और क्या बी ए प्लस ए सी, ए सी की वैल्यू हमने क्या निकाला है, ए सी की वैल्यू प्लस टू रूट फाइव, ठीक, इक्वल टू क्या आना चाहिए बी सी आना चाहिए, बी सी की वैल्यू क्या है फाइव रूट फाइव, फाइव रूट फाइव। तो देखिए ये क्या हो गया फाइव रूट फाइव इक्वल टू फाइव रूट फाइव, देखिए आ गया कि नहीं, यानी हम कह सकते हैं जो ये पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है कोलिनियर है, देखिए इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी ये तीनों पॉइंट जो गिवन है वो क्या है कोलिनियर है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको